क्या है तो बोलो हाय बोलो हाय। ये देखो ये है ना, जैसे मदर झूला रही हो। नहीं लगा के अब मेरी वीडियो बना। हम मेरी वीडियो बना हाय बोलो। मेरे आगे आगे वीडियो क्यों कर रहे हो? मेरी हाय करो। हाय को बोलो। मेरी वीडियो बनाओ। हाय करो। अब मैं आप वीडियो करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, हैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जी ये है ईद के सेकंड डे का क्लिप और हम लोगों ने छोटी सी पिज़्ज़ा पार्टी की थी। इनके बाबा लेके आए थे पिज़्ज़ा और बच्चों की फरमाइश पे पिज़्ज़ा लाए थे। और जी हमारी तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ही गुजर गई थी। आप लोग बताएं आप लोगों की ईद कैसी गुजरी है और आप लोगों ने कहाँ कहाँ जाकर इंजॉय किया या फिर आप लोगों की ईद भी घर पे ही बैठे बैठे गुजर गई? तो हम लोग तो ईद के बाद गए थे जरविश लोगों की बड़ी हाला के घर और मामू के घर गए थे। और जी आप लोगों को पता ही होगा कि मेरे पिछले एक व्लॉग में मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी उनके छत पे खड़े होके। ये देख रहे हैं आप, ये ग्रीनरी है उनके छत से, बहुत ही प्यारा ये व्यू नज़र आता है। और मैंने पहली वीडियो में भी ये रिकॉर्ड की थी और ये देख सकते हैं आप, मैं बड़ी हाला की छत पे थी और बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे और मौसम भी काफ़ी अच्छा था जब हम वहाँ पर गए थे। गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं थी, बारिश का ही मौसम था और बारिश हुई भी थी। और ये और जी ये जो आपको कलरफुल सी दीवार नज़र आ रही है, ये सारी बड़ी जरविश की बड़ी हाला ने खुद डेकोरेट की है और वो बहुत ही अच्छी डेकोरेशन करती हैं। मुझे उनकी ये डेकोरेशन बहुत पसंद है। और हुआ कुछ यूँ कि बड़ी हाला ने अपना पार्लर जो है वो बाज़ार में शिफ्ट कर लिया है। और पहले उनका पार्लर था घर के अंदर और इतना फील नहीं होता था, वो पार्लर का काम भी करती थी तो यही होता था कि घर में ही हमारे साथ टाइम स्पेंड करती थी। लेकिन अभी उनका पार्लर शिफ्ट हो गया है, इसकी वजह से फिर वो सारा दिन वहीं पर होती हैं। तो इसलिए फिर मैं ज़्यादा दिन वहाँ पर रुकी भी नहीं और हमारा टाइम अच्छा ही गुज़रा था जितना टाइम भी गुज़रा। लेकिन ये फिर उनकी फील होता था कि अब वो घर पे नहीं है। मैं पार्लर भी चली जाती थी उनके पास। और ये हम बड़े जो इसके मामू हैं उनके घर थे, जरविश के मामू के घर गए और उधर भी ये हुआ कि वो लोग चले गए शादी पे। मेरी जो भाभियाँ उनके भाई की बड़े भाई का निकाह था तो वो लोग वहाँ पर चले गए थे। और फिर वहाँ जा के भी हमें फिर मज़ा नहीं आया। तो ये उधर अगर एक घर में कोई ना हो तो दूसरे घर चले जाते हैं। मेरी आपी का घर नज़दीक ही है जो जरविश की बड़ी हाल है, तो फिर हम वहाँ पे चले जाते हैं। और फिर उधर जाके तो यही चलता रहता है, कभी आपी के घर, कभी भाई के घर, कभी आपी के घर, तो कभी भाई के घर। तो ऐसे ही बस बहुत मज़ा आता है और हम बहुत इंजॉय करते हैं। इसके बाद जी हम चले गए थे आपी के पास और आपी के पार्लर पर चले गए थे, ये उनका पार्लर है। तो जी मैंने सोचा कि मैं आपको पार्लर का भी छोटा सा विज़िट करवा देती हूँ। ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि उनका काम बहुत अच्छा जा रहा है, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उनके लिए दुआ किया करें, अल्लाह ताला उनको मज़ीद तरक्की अता करे।
जी फाइनली हम लोग आ गए थे घर और अभी हमें लेके आए थे। घर आके मैंने खाना तो कुछ नहीं था बनाया खाना वगैरह, तो फिर मैंने ये कबाब गरम किए। ये कीमे के कबाब हैं और ये बहुत मज़े के बने थे। इनकी खुशबू इतनी प्यारी है कि जब आप गरम कर रहे होते हैं तो आपका दिल करता है बस जल्दी जल्दी से ये बने और हम खा जाएं। और अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और ये जब फ्रीज़ हो जाएंगे मैं इसको एक बॉक्स में डाल के तो रख दूंगी। ऐसे ये है कि अचानक से कोई मेहमान आ जाता है या हम लोगों को भूख लगती है किसी भी टाइम, तो मैं ये बच्चों को या खुद मैं और अभी गर्म करके हम खा सकते हैं। तो जी काफ़ी दिन हो गए हैं, ज़रविश की काफ़ी फरमाइशों की लंबी लिस्ट चल रही थी और एक दिन आ ही गया कि इनके बाबा ने सोचा जी आज मैं ज़रविश की फरमाइशें पूरी कर दूं। और उन्होंने बच्चों के लिए ये सारे खिलौने लाए। ये जी कमांडोज हैं और साथ में प्लेन हैं और टैंक और गाड़ियां हैं, ये अरहम के लिए लेके आए थे। और इनके जो जो ज़रविश ने फरमाइशें की थी वो सारे खिलौने अभी लेके आए थे। ये आप देख सकते हैं ये पियानो लेके आए, इसकी एक एक जो है वो ऑप्शन आप कोई भी दबाएं तो इसमें म्यूज़िक होता है, म्यूज़िक ऑन हो जाएगा। और ये इसका छोटा सा माइक है, माइक को ऑन करें और तो इसमें आवाज़ वाकई ही में वो जैसे दूसरे माइक में आवाज़ आती है इसमें वैसे ही आती है। मुझे पहले नहीं था पता लेकिन जब इन लोगों ने इसे ऑन करके एक दफ़ा यूज़ किया तो मुझे पता चला जी वाकई ही ये माइक असल में है। और ये ज़रविश की म्यूज़िकल बुक है, इसके साइड पे ऑप्शन दिए गए हैं, आप किसी भी बटन को दबाएं, अगर पैरट वाले बटन को दबाएं तो पैरट की आवाज़ आएगी, एलिफेंट वाले को दबाएं तो एलिफेंट की आवाज़ आएगी। तो ये म्यूज़िकल बुक है, ये दरविश के लिए लेके आए हैं। इसके अलावा दरविश की डॉल्स लेके आए हैं। और जी ये छोटी सी किताब अब्दुल अहद की है, अब्दुल अहद के लिए बुक लेके आए हैं। इसमें सारे कार्टून्स बने हुए हैं, छोटे छोटे डोगी हॉर्स एनिमल्स सारे बने हुए हैं। तो ये अब्दुल अहद की है, दरविश की मैं नहीं, दरविश की। और ये दरविश की डॉल के लिए ब्रश भी है साथ में। तो फिर हम लोग शाम को गए छत पे और काफ़ी अच्छा मौसम था, गर्मी नहीं थी, मौसम काफ़ी अच्छा बना हुआ था। हमने सोचा चलो छत पे जाते हैं, काफ़ी इंजॉय किया। और ये हमारा नया कुकड़ू आया है और कुछ दिन का मेहमान है। तो आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं मिलूँगी अब आपको एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।